यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, शमशान में चिता की राख से खेली गई होली, 350 साल पुरानी है ये मान्यता। वाराणसी में रंगभरी एकादशी पर शमशान घाट पर विशेष होली खेली गई। इस होली को शमशान घाट पर चिता की भस्म से खेला जाता है। भगवान शिव के भक्तों द्वारा खेली गई इस होली की मान्यता काफी प्राचीन बताई जाती है। देश दुनिया होली का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाती है। जिस तरह कृष्ण नगरी कही जाने वाली मथुरा, वृंदावन, बरसाना में होली काफी पहले से शुरू हो जाती है, उसी प्रकार धर्म की नगरी काशी में होली रंगभरी एकादशी से शुरू हो जाती है। काशी में सबसे पहले काशीवासी अपने इष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान पर चिता भस्म से होली खेलकर होली के त्यौहार की शुरुआत करते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत होती है। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं होती, क्योंकि वहां 2400 घंटे चिताओं के जलने और सब यात्राओं के आने का सिलसिला चलता रहता है। चार ओर पसरे मातम के बीच वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जहां महाशमशान पर माहौल होता है, वह त्यौहार होता है रंगभरी एकादशी। वाराणसी में 14 मार्च यानी सोमवार को रंगभरी एकादशी पर शमशान घाट पर चिता की भस्म से होली खेली गई। इसमें डमरू, घंटे, घड़ियाल और मृदंग साउंड सिस्टम से निकलती धुनों के बीच चार ओर जलती चिताओं की भस्म से होली खेली गई। रंग गुलाल के अलावा उड़ती हुई चिता की भस्म से इस होली को सालों से मनाते आ रहे हैं। बताया जाता है कि रंगभरी होली की मान्यता 350 साल से भी पुरानी बताई जाती है। रंगभरी एकादशी के दिन महाशमशान पर खेली गई इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता काफ़ी प्राचीन है। बताया जाता है कि जब रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली थी, लेकिन अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी के साथ वे होली नहीं खेल पाए थे। इसीलिए रंगभरी एकादशी से शुरू हुए पंच दिवसीय होली पर्व की अगली कड़ी में विश्वनाथ जी इन्हीं के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, वाराणसी।